नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंटाइन वीक में पार्टनर के साथ अगर आपका घूमने का है प्लान तो ये जगह काफी ज्यादा मशहूर है। भारत को प्राकृतिक वरदान शुरू से ही मिले हैं। यहाँ की प्राकृतिक दृश्यों को देखकर देश विदेश के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक बार अगर कोई विदेशी भारत भ्रमण कर लेता है तो वो यहाँ की प्राकृतिक दृश्यों को कभी नहीं भूलता। यहाँ कई ऐसी जगह है जो पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है, खासकर जिनकी नई नई शादी हुई है वो जोड़े इन जगहों पर जाना नहीं भूलते। कई बार लोग यही सोचने लग जाते हैं कि शादी के बाद अपने पार्टनर संग कहां घूमने जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में जहां शादीशुदा लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं और आप भी अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनीताल के बारे में। उत्तराखंड में स्थित नैनीताल शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है। नैनीताल के बीचों बीच स्थित नैनी झील इस पर्यटन स्थल में चार चांद लगा देती है। कपल के बीच नैनीताल शहर काफी ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं शिमला के बारे में। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यही कारण है कि शिमला कपल्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। आप भी अपने पार्टनर के साथ यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गोवा के बारे में। शादीशुदा लोगों के बीच गोवा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। खुले आसमान के नीचे गोवा की खूबसूरत बीच पर अपने पार्टनर के साथ समय बिताना और घूमना एक बहुत ही शानदार अनुभव होता है। अब बात करेंगे मनाली के बारे में। मनाली भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ की प्रकृति का अनोखा रूप देखने को मिलता है। यह शहर भी कपल्स की सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है। जंगलों से घिरी मनाली घाटी देखना अपने आप में ही खूबसूरत अनुभव होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ऊटी शहर के बारे में जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप पहाड़ों पर रोमांस के शौकीन हैं तो आपको तमिलनाडु के ऊटी शहर जरूर जाना चाहिए। कपल्स के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस कड़ी में अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग शहर क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर है। यह जगह एक बेहतरीन रोमांटिक जगह है जहां हर कोई अपने पार्टनर के साथ जाना पसंद करता है। यहां लोग अपने पार्टनर के साथ टॉय ट्रेन का लुफ्त उठाना नहीं भूलते हैं। अब बात करते हैं हैवलॉक के बारे में। अंडमान की हैवलॉक आइलैंड अपने आप में एक खूबसूरत और बहुत ही शानदार जगह है। यह जगह अपनी खूबसूरत समुद्री तटों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वैलेंटाइन वीक दौरान काफी ज्यादा संख्या में लोग अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह शहर भी कपल्स के बीच काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर प्रकृति के गजब का सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ की वादियों में न जाने कौन सा नशा है, जो भी इसका दीदार करता है वो इसका दीवाना हो जाता है। शादीशुदा लोग अक्सर अपने पार्टनर के साथ यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेते हैं। इस कड़ी में अब बात करेंगे आगरा शहर के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैलेंटाइन डे पर आप आगरा शहर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ रोमांटिक अंदाज में फोटो शूट करवाने के अलावा आप ताजमहल परिसर अपने पार्टनर के साथ भी क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। अब बात करेंगे कुमारकोम के बारे में जो कि केरल राज्य में स्थित है। यह शहर वेम बानंद झील के किनारे बसा है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक बैक वाटर क्रूज का आनंद ले सकते हैं। तो ये भारत के कुछ मशहूर शहर है जो कपल्स के बीच काफी ज्यादा चर्चित है और उनके पसंदीदा शहर भी है। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पे गए हैं तो अपना अनुभव हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जो कपल्स के बीच फेमस है और उन शहरों का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो उन शहरों के बारे में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।